ओके तो हम इसमें कह रहे थे एपिफोरा, तो हमने कहा था एपिफोरा जो है ना जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए नेजल एक्यूमल डक्ट की तो उसको हम कहते हैं एपिफोरा, ठीक है। तो अब हमने कहा था उसके अंदर एपिफोरा को अगर हमने ये मतलब नेजल एक्यूमल डक्ट की जब ऑब्स्ट्रक्शन हुए ना तो उसके अंदर जो है हम ना रिकर्जिटेशन टेस्ट करके देख सकते हैं। रिकर्जिटेशन टेस्ट जब हम करते हैं ना तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये नेजल एक्यूमल डक्ट अगर जो रिकर्जिटेशन टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हमें पता लग जाता है नेजल एक्यूमल डक्ट की जो है ऑब्स्ट्रक्शन है नेजल एक्यूमल डक्ट। अब जो रिकर्जिटेशन टेस्ट है, रिकर्जिटेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिकर्जिटेशन टेस्ट में हम सबसे पहले तो या तो हम पेशेंट को कहते हैं कि ऊपर देखे, जब वो ऊपर देखते ना तो उसका लैग्रिमल साक को अपनी जो लास्ट फिंगर होते हैं लिटिल फिंगर उससे प्रेस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी जो मिडिल फिंगर है उससे लोअर आईलिड को नीचे करें पेशेंट की और अपनी इंडेक्स फिंगर से ना उसके लैग्रिमल साक को पुश करें। तो जब हम पुश करेंगे ना तो उसमें से अगर सिक्रीशन निकलेगा ना तो हमें पता लग जाएगा रिगर्जिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। और ये कब कब पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ डिजीज़ कंडीशन में पॉजिटिव हो जाता है। डिजीज़ कंडीशन ये जो हमारे पास